नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है सैमसंग गैलेक्सी M53 5G। दोस्तों इस फोन में रिसेंटली आया है एक नया अपडेट जो है May 2023 का सिक्योरिटी पैच अपडेट। जून का एंड चल रहा है तो मेरे हिसाब से जून का पैच अपडेट देना चाहिए था, लेकिन इन्होंने रिलीज किया है मई का पैच अपडेट। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में सॉफ्टवेयर अपडेट में, लास्ट अपडेट में अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं दो चेंज लॉक्स जो है, ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव और द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज बीन इम्प्रूव। तो फोन के स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है, इसके अलावा फोन के सिक्योरिटी को किया गया अपडेट। और बात करेंगे इस अपडेट की साइज की तो वो है 501.15 MB। इसके अलावा अगर आप जाओगे अबाउट फोन में सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन में तो यहाँ पे आप देखोगे अपडेट से पहले बिल्ड नंबर था लास्ट में 2XWB3 और अभी है 3CWF2। इसके अलावा आपको मिलता है मई मंथ का सिक्योरिटी पैच अपडेट, पहले था फरवरी मंथ का पैच अपडेट। जो सबसे बड़ा और शानदार फीचर ऐड किया गया है वो है इमेज क्लिपर का फीचर जो आपको देखने मिलता है गैलरी ऐप में। हालांकि जो फीचर है पहले फ्लैगशिप फोन में ही देखने मिलता था, लेकिन इस फोन में भी अब आपको देखने मिलेगा इमेज क्लिपर का फीचर जो काफी शानदार है। तो आप इस फीचर के जरिए अपने फोटोज में जो मेन ऑब्जेक्ट या मेन सब्जेक्ट है उसे ऑटोक्रॉप कर सकते हो एज अ स्टिकर, मतलब कि आप उस ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट को लिफ्ट आउट कर सकते हो अपने फोटोज में से। मान लेते हैं मुझे इस फोटो में से ये जो मेन ऑब्जेक्ट है उसे निकाल देना है, लिफ्ट आउट करना है एज अ स्टिकर, तो आपको इस पे लॉन्ग टैप करना है, एक एनिमेशन होगा, उसके बाद फिर आप इस ऑब्जेक्ट को इस तरीके से लिफ्ट कर पाओगे। और ये लिफ्ट आउट हो चुका है, मतलब कि क्रॉप हो चुका है स्टिकर फॉर्म में। तो आप अगर रिलीज करोगे आपको यहाँ पे मिलेंगे तीन ऑप्शन, आप इस स्टिकर को कॉपी कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, या फिर आप इसे सेव एज इमेज भी कर सकते हो। अगर आप इसे करोगे सेव तो आप देखोगे अब गैलरी में इस तरीके से स्टिकर फॉर्म में ये सेव होगा। तो आपके फोटो में जो भी ह्यूमन सब्जेक्ट है या जो भी मेन ऑब्जेक्ट है उस पर आपको लॉन्ग टैप करना है और आप इस तरीके से उसे लिफ्ट आउट कर सकते हो एज अ स्टिकर फॉर्म में। और मान लेते हैं मैंने जो स्टिकर सेव किया है उसे इसमें ऐड करना है, तो आपको एडिट करना है, स्टिकर के आइकन पे टैप करना है, स्टिकर पे टैप कीजिए, गैलरी पे टैप कीजिए, प्लस के साइन पे टैप कीजिए और आपको जो स्टिकर ऐड करना है उस तरीके से आपको उसे ऐड करना है। आप देखोगे ये स्टिकर ऐड हो चुका है इस फोटो में। इस तरीके से आप अपने जो स्टिकर है या जो आपने इमेज क्लिपर का यूज करके जो भी फोटो सेव की है इस तरीके से उन्हें ऐड कर सकते हो फोटोज में। अब आप अपने गैलरी ऐप में जो रिसेंट एल्बम है उसे भी हाइड कर सकते हो जो सबसे पहले आपको शो करता है। तो अगर आप चाहते हो यहाँ पे शो ना करे तो इसे हाइड करने का ऑप्शन ऐड किया गया है। आपको जाना है सेटिंग्स में, अबाउट गैलरी पे टैप कीजिए, वर्जन लिखा होगा उस पर आपको लगातार 13 बार टैप करना है 13 times। इसके बाद बैक जाइए और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एक नया ऑप्शन जो है गैलरी लैप्स का, आपको इसे ओपन करना है और ये है शो वर्चुअल एल्बम्स, आपको इसे ऑफ करना है। अगर आप करोगे अपने गैलरी को रिस्टार्ट तो आप देखोगे अब आपको अपने गैलरी ऐप में रिसेंट और फेवरेट का जो एल्बम है शो नहीं करेगा। वीडियो कॉल इफेक्ट में मैंने एक छोटा सा चेंज नोटिस किया है। अगर आप जाओगे सेटिंग्स में एडवांस फीचर्स में वीडियो कॉल इफेक्ट्स में तो आप देखोगे यहाँ पे पहले डियो और व्हाट्सएप शो होता था, लेकिन अब यहाँ पे गूगल मीट और व्हाट्सएप शो हो रहा है, मतलब कि जो गूगल डियो है उसे रिप्लेस किया गया है गूगल मीट के जरिए। तो व्हाट्सएप और गूगल मीट में वीडियो कॉल के दौरान आप बैकग्राउंड में कोई भी कलर या कोई भी फोटो सेट कर सकते हो। अगर आपने अपने फोन को अपडेट कर लिया होगा तो आपको मिल सकती है ये नोटिफिकेशन जो यहाँ से रिमूव नहीं होगी, ये है सैमसंग सर्विसेज। तो इसे रिमूव करने के लिए आपको इस पे टैप करना है, ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है आपको इस पे टैप करना है, सभी को अनटिक करना है, अप्लाई कीजिए, स्किप कीजिए, फिर यहाँ से नोटिफिकेशन रिमूव हो जाएगी। अपडेट के बाद मैंने अपने फोन में कोई भी एबनॉर्मल बैटरी ड्रेनिंग या हीटिंग इशू फेस नहीं की है और फोन में कोई भी लैग इशू मैंने नोटिस नहीं किया है। तो फोन जो है पहले की तरह ही स्मूथ है, कोई भी आपको लैग देखने नहीं मिलेगा यूआई में। कैमरा ऐप में मैंने कोई भी नया फीचर या नया चेंज नोटिस नहीं किया है। इसके अलावा पिक्चर क्वालिटी में भी कोई नया चेंज आप नोटिस नहीं करोगे, फोटोज जैसे पहले कैप्चर होती थी वैसे कैप्चर होती है, मतलब कोई भी इंप्रूवमेंट या डाउनग्रेड नहीं किया गया है। अब बात करते हैं ऐसे सिस्टम ऐप्स की जिन्हें अपडेट किया गया है इस अपडेट के बाद। तो टोटल 8 सिस्टम ऐप्स को अपडेट किया गया है, तो आप इस टेबल में चेक कर पाओगे कि पहले वर्जन कौन सा था और अब वर्जन कौन सा है। तो इन ऐप्स के नाम है फाइंडर, फोन ऐप, कॉल वर्जन, कैमरा, वाईफाई कॉलिंग, कॉल बैकग्राउंड प्रोवाइडर, नोक्स एनरोलमेंट सर्विस और कॉन्टैक्ट्स। अपडेट के बाद मैंने अपने फोन में कोई भी बग या इश्यू फेस नहीं किया है। दोस्तों तो ये था सैमसंग गैलेक्सी M53 5G के May 2023 के पैच अपडेट के बारे में। अगर आपको कोई भी सवाल हो, अगर आप अपडेट के बाद कोई भी इश्यू फेस करते हो अपने फोन में तो आप मुझे लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। अगर आपको कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।